नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने टॉपिक शुरू किया है नेबरहुड्स, ओपन सेट्स एंड क्लोज सेट्स। लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने कितना थ्योरेटिकल टॉपिक है और इसे पढ़ने के लिए बार बार रिवीजन और इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप अपने लेवल पर ये सब तो कर ही रहे होंगे। आगे बढ़ने के पहले हमें प्रीवियस टॉपिक्स को रिकॉल करने की ज़रूरत महसूस होगी, तो देखते हैं उसे रिवाइज करते हैं अपने कुछ यूनिक पैटर्न में, जिसको हम नाम देते हैं गणित दर्शन। कोशिश करके देखिए कैसा एक्सपीरियंस होता है। 2 मिनट के लिए आप अपने आंखें बंद कीजिएगा और आंख बंद करके एक लंबी गहरी सांस लीजिए। डीप ब्रीथ इन। इस प्रोसेस में हम जो कुछ लास्ट ट्यूटोरियल में पढ़े हैं उसे रिकॉल करेंगे, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिकॉल करेंगे विथ डेफिनेशंस एंड एक्सप्लेनेशन। ट्राई टू इमेजिन दोज विथ योर क्लोज्ड आईज। जी हाँ दोस्तों, ये मेथड आपको बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट को समझने में मदद करेगा। कोशिश करके देखिए। यस, बी रेडी। Close your eyes and take one deep breath in and out. One more deep breath in and out. चलिए दोस्तों, सबसे पहले रिवाइज करते हैं नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। इफ वी हैव अ मैट्रिक्स स्पेस X and consider a point P in that matrix space X. जैसे ही हमने कहा matrix space है, इसका मतलब उसके साथ एक matrix D होगा satisfying 4 properties. First is non-negativity, second is identity property, third is symmetric and fourth is triangle inequality. ये 4 property हमेशा background में अपना काम कर रही होगी। हमने एक पॉइंट पी कंसीडर किया मैट्रिक्स स्पेस एक्स में और फिर एक डिस्टेंस आर ग्रेटर देन 0 मानकर ये पी पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ऐसा इमेजिन कीजिए। अब इस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स क्यू हो गए, ऑल दोज पॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ नेबरहुड ऑफ पी। डेफिनेशन बनती है दिस नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पी इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स क्यू इन एक्स सच दैट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज लेस देन आर, वेयर आर इज पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, जो सर्कल के बाउंड्री पर पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स नेबरहुड के पॉइंट्स नहीं होंगे, क्योंकि उनका डिस्टेंस P से एग्जैक्ट इक्वल टू R हो जाएगा। नेबरहुड को रिकॉल करने के बाद फिर हमने एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ी थी, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। तो इसके लिए हमें एक सेट कंसीडर करना होगा मैट्रिक्स स्पेस X में। तो सपोज E बी अ सेट इन X। अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का होता है कि लिमिट पॉइंट ऑफ ई तो कहना है हमें, लेकिन वो पॉइंट मैट्रिक्स स्पेस का होता है। हाँ, ई मैट्रिक्स स्पेस में होने की वजह से वो पॉइंट ई का भी हो सकता है। सो लेट एक्स बी अ मैट्रिक्स स्पेस एंड ई बी अ सबसेट ऑफ एक्स। देन अ पॉइंट पी बिलोंग्स टू एक्स is said to be a limit point of E if every neighborhood of P, this is important, every neighborhood of P contain at least one point of E other than P. काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका लास्ट ट्यूटोरियल में किया था, विजुअलाइजेशन के लिए इतना काफी है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। A point P of X
is a limit point of set E in X if every neighborhood of P contain at least one point of E different from P. फिर कुछ इसके एग्जाम्पल्स हमने देखे थे. एग्जाम्पल्स में एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल हमने लिया था क्लोज इंटरवल 0-1. तो इसके सभी पॉइंट्स लिमिट पॉइंट थे. एंड कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड एज डिराइव्ड सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय ई डैश. और उसके बाद एक डेफिनेशन पड़ी थी आइसोलेटेड पॉइंट. If E is a subset of metric space X, then a point of E, obviously it is point of X, but here the condition is point of E, if not a limit point of E, then it is called isolated point of E. इसके भी हमने कुछ examples देखे थे. पर्टिकुलर एग्जाम्पल था C इक्वल टू कलेक्शन ऑफ 1, 1 बाय 2, 1 बाय 3, 1 बाय 4, 1 बाय 5 एक्सेट्रा. तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स थे कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं था. और इसीलिए हमने कहा था कि ऑल पॉइंट्स ऑफ C आर आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ C. हाँ, इस सेट के लिए लिमिट पॉइंट था जो कि जीरो था, बट जीरो इज नॉट द पॉइंट ऑफ सी. राइट, इतनी सब चीज रिकॉल करने के बाद आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. उससे पहले आप अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ सकते हैं. टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड आउट. वन मोर डीप ब्रीथ इन एंड आउट. जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लोज्ड सेट. अभी तक हमने देखा था लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं. तो दोस्तों, यदि किसी सेट के सारे लिमिट पॉइंट्स उस सेट के पॉइंट्स हो, then the set is called a closed set. Definition देखते हैं. Let X be a metric space and E is subset of X. Then the set E is called closed set if every limit point of E, every limit point of E is a point of E. अब हमने कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स को डिनोट किया था ई डैश से, डिराइव्ड सेट. तो ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज को सिंबॉलिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि ई इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ ई डैश इज इन ई. राइट, सिंबॉलिक लैंग्वेज हो गई. अ सेट ई ऑफ मैट्रिक्स स्पेस एक्स इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ इट्स डिराइव्ड सेट मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स is in E, or we can say that E dash is subset of E. Now let us take examples of closed set. Empty set and the complete metric space X, these are the examples of closed set. अब ये जरा समझने की बात है कि empty set में तो कोई point है ही नहीं, तो इसको हम भला closed set कैसे कहें. What is the definition of closed set? Every limit point is a point of set. So, यदि कोई limit point होगा, तो वो set का point होना चाहिए. This is the definition. अब हमारे केस में क्या हो रहा है? जब हम empty set की बात कर रहे हैं, empty set is closed in matrix space X. तो empty set में तो कोई point है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं therefore it satisfies the definition of a closed set. अरे भाई, point होगा, limit point होगा, तब तो उसको check करेंगे कि set का point है या नहीं.
उसमें पॉइंट ही नहीं है. देयरफॉर इट इज सेड दैट वैक्यूअसली एम्प्टी सेट फाइ इज अ क्लोज्ड सेट. ओके, और लिखते समय ऐसा लिखा जाता है एक्सप्लेनेशन, बिकॉज फाइ कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स एज इट हैज नो लिमिट पॉइंट. सुनने को अजीब सा लगता है बट अब इसकी हैबिट कर लीजिए. देखिए एक एक पॉइंट बहुत क्लियर है. यदि लिमिट पॉइंट हो गए सेट को तो हम चेक करेंगे कि लिमिट पॉइंट सेट के पॉइंट्स है या नहीं. सारे लिमिट पॉइंट यदि सेट के पॉइंट्स हो गए तब तो सेट क्लोज्ड होगा. लेकिन जब लिमिट पॉइंट्स ही ना हो तो चेक किसे करेंगे? तो वी कैन से दैट डायरेक्टली कि ऑल लिमिट पॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ सेट. तो इस एक्सप्लेनेशन से एम्प्टी सेट बिकम्स अ क्लोज्ड सेट इन मैट्रिक्स स्पेस एक्स. एक्स एज अ मैट्रिक्स स्पेस ऑफ कोर्स इट विल बी क्लोज्ड सेट, क्योंकि जो भी लिमिट पॉइंट हो गए वो तो एक्स में हो गए ही हो गए. तो दिस इज ऑब्वियस एग्जांपल. मैट्रिक्स स्पेस एक्स इज ऑलवेज क्लोज्ड सेट बिकॉज ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ एक्स आर द पॉइंट्स ऑफ एक्स. ऑब्वियस सी बात है. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. लेट ए बी अ क्लोज्ड इंटरवल 0, 1. अब यदि आपको लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल याद होगा तो इसका जो डिराइव्ड सेट था, इसका डिराइव्ड सेट खुद यही था. 0 इज लिमिट पॉइंट विच इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ ए, 1 इज लिमिट पॉइंट विच इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ ए, और इसके बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी लिमिट पॉइंट्स थे. यदि इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करें ये क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 अब यहां कोई भी रेडियस का यदि हम नेबरहुड लें 0 पर, कोई भी रेडियस का नेबरहुड लें तो सभी नेबरहुड कुछ ना कुछ पॉइंट कंटेन कर रहे हैं एक एक. तो 0 इज लिमिट पॉइंट. सेम इज द केस विथ 1, 1 इज लिमिट पॉइंट. और यदि बीच में कोई पॉइंट लेते हैं तो इस पर भी कोई भी रेडियस का नेबरहुड यदि लें तो वो एक का कोई पॉइंट अदर देन दिस कंटेन कर रहा है. मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर लिमिट पॉइंट्स. लेकिन डेफिनेशन ऐसी नहीं है. डेफिनेशन कहती है कि इफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ सेट. तो यस, हियर ऑल द लिमिट पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ ए, देयरफॉर ए इज क्लोज्ड सेट. ओके, राइट. सो दिस इज अ क्लोज्ड सेट इन रियल नंबर लाइन. बट इफ यू टेक सेमी ओपन इंटरवल, अब वन इंक्लूडेड नहीं है. अब वन इंक्लूडेड नहीं होने की वजह से यदि इसके लिमिट पॉइंट्स हम डिस्कस करें, यहां पर ओपन है वन की तरफ से, ये वन और ये क्लोज्ड है. तो वन लिमिट पॉइंट होगा या नहीं होगा? यदि यहां पर किसी भी रेडियस का नेबरहुड ड्रॉ करते हैं तो उसमें बी के पॉइंट्स तो आ जाएंगे अदर देन वन. मीन्स यस, वन इज लिमिट पॉइंट. इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है सब लिमिट पॉइंट है, इवन टू भी लिमिट पॉइंट है. तो बी का जो बी डैश मिलेगा, बी डैश मतलब डिराइव्ड सेट ऑफ बी इज क्लोज्ड इंटरवल 1, 2. Right? These are all the limit points of B. But here, this one, right? This one is not the point of B. तो एक भी limit point यदि set का point नहीं होगा तो set cannot be a closed set. All right? Thus, B सेमी ओपन इंटरवल 1, 2 इज नॉट क्लोज्ड सेट इन R बिकॉज इट डज नॉट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, स्पेशली 1 इज नॉट इन B.
बातें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, सेट सी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/n एक्सेट्रा। अब इसके जो लिमिट पॉइंट्स है वो यदि देखें तो यदि आपको याद आता है तो एलिमेंट जीरो इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट सी, और वो लिमिट पॉइंट सी में है नहीं। इसका मतलब ये जो डेफिनेशन की कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देयरफॉर दिस सेट सी इज नॉट क्लोज्ड इन मैट्रिक्स स्पेस आर बिकॉज इट डज नॉट कंटेन इट्स लिमिट पॉइंट जीरो। तो जब इस तरह की गैप्स हमें दिखें सेट में तो ये पॉसिबिलिटी अराइज होते दिखेंगी। अनदर एग्जांपल इज सेट ऑफ इंटीजर्स 1, 2, 3, 4, काफ़ी गैप है 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। सिमिलरली नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3, तो इसमें कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, इस सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। अब जब इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसको वही एक्सप्लेनेशन काम करेगा जो एम्प्टी सेट 5 को दे रहे थे। सिंस सेट ऑफ इंटीजर्स हैव नो लिमिट पॉइंट तो वी कैन से दैट ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ जेड आर पॉइंट्स ऑफ जेड, जो एक्सप्लेनेशन 5 के लिए था एम्प्टी सेट के लिए था। एंड हेंस वी कैन से दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड इन मैट्रिक्स स्पेस आर because it contains all its limit points as there is no limit point of z in R, same explanation as that of empty set। अब यहाँ तो infinite elements थे z में, कोई finite elements लेकर एक set देख लेते हैं, set D, set of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 up to n। अब काफ़ी gap है 1, 2, 2, 3, 3, 4 के बीच में। इनके लिमिट्स पॉइंट यदि डिस्कस किए कोई भी पॉइंट पर, यदि हम कोई भी पॉइंट पर नेबरहुड लेने की तैयारी करें, यहाँ लेते हैं, ये वन है, ये वन। अब वन पर यदि हम किसी भी रेडियस का एक नेबरहुड तैयार करें, छोटे छोटे भी रेडियस का नेबरहुड पॉइंट्स कंटेन करना चाहिए डी के, लेकिन 2 और 1 के बीच में जो डिस्टेंस है उससे कम रेडियस का यदि नेबरहुड लें तो सारे नेबरहुड, एवरी नेबरहुड ऑफ 1 डज नॉट कंटेन पॉइंट ऑफ डी अदर देन 1, देयरफॉर 1 इज नॉट लिमिट पॉइंट। सिमिलरली नो पॉइंट्स ऑफ डी आर लिमिट पॉइंट्स ऑफ डी। अरे फिर से वही एक्सप्लेनेशन आ गया कि इस सेट को कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं तो हम कह सकते ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ डी आर पॉइंट्स ऑफ डी, सेम एक्सप्लेनेशन अगेन एज दैट ऑफ एम्प्टी सेट 5। तो वी कैन से दैट दिस सेट डी इज क्लोज इन आर सिंस ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स आर कंटेन्ड इन डी, राइट, डी कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। Why? Because it has no limit points in R। तो ये example देखने से एक fact नजर आता है, and the fact is that every finite subset of a metric space is closed। Okay? Every finite subset of a metric space is closed। एक बार अच्छे से इतने topic को पढ़िएगा, समझिएगा। यदि प्रीवियस कंसेप्ट्स में थोड़े बहुत भी डाउट्स हो तो फिर से वो वीडियो लेक्चर को देखकर बुक की हेल्प से और प्रैक्टिस करके अपने आप ये जो डायग्राम्स हैं इनकी प्रैक्टिस करके एक एक डेफिनेशन को 100% समझने पर आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये टॉपिक पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं, अगले टॉपिक में इसे कंटिन्यू करेंगे ओपन सेट के लिए। तब तक के लिए जय गणित।